लोकप्रिय कवि और स्तंभ लेखक महेश दुबे की दो पुस्तकों का लोकार्पण समारोह मुंबई के मिठीबाई कॉलेज सभागृह में आयोजित किया गया था। इस मौके पर साहित्य, राजनीति और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियां मंच पर मौजूद थीं। उपस्थित होकर सभी लोगों ने महेश दुबे के कार्यों की खूब सराहना की। साहित्य के क्षेत्र में महेश दुबे ने काफ़ी प्रयास किया है, जो काबिले तारीफ है। ऐसी बात उपस्थित कई दिग्गज कवियों और राजनेताओं ने कही। पेश है कुछ खास अंश। सरस्वती हे वीणा मधुरवादिनी, हे वीणा मधुरवादिनी, ज्ञान दे तू हमें, ज्ञान दे तू हमें, हे श्वेता कमलवासिनी, हे श्वेता कमलवासिनी, दोहे में गिनती तू ही है, छंदों में सजती तू ही है, दोहे में गिनती तू ही है, छंदों में सजती तू ही है। चाहे उसे खरीदना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे देखना हो, या करीनी से शेल्फ में रखना हो, या उसके विमोचन में आना, मेरे मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं पुस्तकों से ही के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। जो कुछ बना मैं पुस्तकों के बीच में रह के बना, इसलिए जब कोई नई किताब आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महेश दुबे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक उन्होंने बड़ा ही कमाल का जो निंदा रस नाम की किताब लेके आए हैं, तो आज इस कार्यक्रम में शरीक होकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तारक मेहता में तो हर रोज कोई ना कोई धमाका होता है, रोज देखते रहिए बस। मैं सभी का बहुत आभारी हूँ, सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरी दो। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति ठान करके साहित्यकार नहीं बन सकता, ठान करके लेखक नहीं बन सकता। हमारे जीवन के आसपास के जो परिदृश्य होते हैं, हमारे आसपास जो कुछ घटता है, उसी को हम लोग अपने भावनाओं में व्यक्त करते हैं। उसे लोगों ने इतना पसंद किया, इस बात को लेकर के मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इतने सारे लोगों ने अपना प्रेम दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी दो किताबें अभी और प्रेस में हैं, उसमें एक गजल संग्रह है और एक और कैरिकेचर के साथ में कुछ हास्य की कविताएं हैं, वो सब अभी आने वाली हैं। स्टोरी मिरर प्रकाशन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं और मेरे तमाम प्रकाशन में ये लोग सहयोगी हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।